अभी फिलहाल मैं एक मूवी देख रहा हूँ, कह रहे से मूवी ना कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका नाम है ओम द बैटल विद इन, या फिर एक और नाम से इसको पुकारा जा रहा है, एक राष्ट्र कवच ओम। पता नहीं कौन सा इन्होंने इतना राष्ट्रवादी सोच कर ये नाम रखा है। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2 घंटे 15 मिनट के आसपास रखी गई है। और जो हम उम्मीदें करते हैं ना बॉलीवुड से कि यार इससे घटिया कचरा तो ये बना ही नहीं सकता, फिर बॉलीवुड एक चैलेंज ले लेता है, अरे कैसे कह दिया तुमने इससे घटिया मूवी नहीं बना सकता, खैर इससे घटिया चीजें नहीं बना सकता मैं, तो वो लेके आता है इन जैसी वाहियात कचरा। यार 2 घंटे 15 मिनट इस मूवी को झेलना एक इम्पॉसिबल टास्क मैं कहूंगा यार, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। मैं लिटरली इस मूवी को बीच में ही छोड़कर आया क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतनी घटिया चीजें हमारे सामने रखी जाती हैं, चाहे वो करेक्टर डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्टोरी हो, हर एक एंगल से ये एक वाहियात, एक कचरा एक मूवी है यार। मुझे तो यकीन नहीं होता कि जो इसके जो मेकर्स होते हैं कौन सा वो सस्ता नशा फूंक के बैठे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि चल क्या रहा है, मतलब कि वो बना क्या रहे हैं। और इवन जब ये बना लेते हैं, चलो उन्होंने इस दौरान नशा फूंका भी होगा, और जब वो बना लेते हैं, जब इस मूवी को देख रहे होते हैं सबसे पहले वही तो देखते हैं कि भैया हमने मूवी कैसी बनाई है, तब मतलब कहीं से भी इनके दिमाग में ये नहीं आया होगा। और मुझे लगता है कि यार इनको पता चलता होगा कि सच में इन्होंने टट्टी बना दिया है, लेकिन अगर इनको नहीं पता चला कि इन्होंने टट्टी बना दिया तो सच में किसी अच्छे से दिमाग का जो इलाज करता है ना डॉक्टर, उसकी अपॉइंटमेंट लो और अपना इलाज करवाना शुरू कर दो। अरे इतना ही शौक है पैसे फूंकने का तो उनको रख कर आग लगा दो ना यार, जनता के दिमाग में काहे को दर्द कर रहे हो। ये मूवी स्टार्टिंग से हगना स्टार्ट करती है, और सच में कहूंगा मैं इसके लास्ट तक इसने हगा ही होगा। मैंने लास्ट वाला नहीं देखा क्योंकि मुझे देखना भी नहीं था, इंटरवल के बाद थोड़ी देर में बैठा और वहीं से चलो भैया ये सहन नहीं होगी हमसे, क्योंकि इतनी चीजें जो इसमें जो दिखाई जा रही थी, जैसे वो स्टोरी जैसे इसमें हमें देखने को मिल रही है, जैसे इसके अंदर एक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, इनको मुझे लगता है कि एक्शन भी नहीं पता होगा होते क्या है। फिर इससे कचरा इनने VFX जो इन्होंने यूज करके, स्टार्टिंग में जो एक जो ओम है जिसको प्ले किया आदित्य रॉय कपूर ने, जो प्लेन से छलांग लगाता है और जैसे वो पानी में आता है फिर वो जंप मार के जैसे ऊपर आ जाता है पानी से, पता नहीं पानी में क्या लगा हुआ होता है। खैर मैं कहूंगा कि लॉजिक तो वैसे ही घर पे रखो, अपना दिमाग वैसे घर पे रख के जाओ, इस मूवी को अगर झेलना है तो मतलब मंद बुद्धि होकर इस मूवी को देखना होगा। और ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें हंसाने के लिए एक अजीबोगरीब एक डॉक्टर है इसके अंदर, जिसका खाने का तरीका इसमें ऐसे दिखाया गया, यार गुस्सा आता है यार वो चीज देखकर, सच में हंसी नहीं आती है ऐसे करना है। तुम्हें लगता है उसके ऊपर जनता हंसेगी? अरे जनता हंसेगी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस वाहियात कचरे को बनाया है, और सच में हंसेगी कि वो गालियां ही दे रहे हो क्योंकि उनके रुपए खराब हो रहे हैं ये घटिया कचरा देखने पर। और एक्शन के नाम पे जो चीजें इसमें देखने को मिली है, एक लड़की होती है जो एक लड़के से लड़ रही होती है, उस लड़के के पास बंदूक होती है, इवन यार उस लड़के को बंदूक तक चलानी नहीं आ रही, वो तो ये कह रहा है कि लो लो बस मुझे एक लात ही टच कर दो मैं बंदूक देने के लिए तैयार बैठा हूं। इतना वाहियात वो एक्शन सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक्शन सीक्वेंस, पता है क्या होता है, सच में ये मूवी आप झेल ही नहीं पाओगे। और आप बैठे हो आपके बस में कुछ कंट्रोल नहीं है, बस आपको बैठकर वो झेलना है, वो टॉर्चर झेलना है यार। ऐसा नहीं है कि आप पीछे जो चला रहा है मूवी को उसको कहे यार ये निकाल दे यार, ये स्किप कर दे थोड़ा बहुत, इसको ये नहीं देखा जा रहा, ऐसा नहीं है। आपको जैसे लगेगा यार जबरदस्ती आपको मतलब परेशान करने के लिए मूवी बनाई गई है, ऐसी फीलिंग आएगी, मुझे तो आई भाई। अगर जिनको लगता है कि यार ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, इवन जब मैं IMDb के ऊपर मैं देख रहा हूँ 10 out of 10 रेटिंग दे रखी है, यार कौन सी दुनिया से आते हो यार तुम लोग जो 10 out of 10 रेटिंग मिल जाती है इस जैसी कचरा मूवी को। स्टार्टिंग से मूवी देख लो यार, कहीं से भी आपको लग जाए कि इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से वर्क किया गया, बिल्कुल भी नहीं। बस हाँ आदित्य रॉय कपूर की वो बॉडी शॉडी दिखाई गई है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है इस मूवी में, ना स्टोरी इसके अंदर है, ना एक्शन इसके अंदर है, ना इवन इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी है, ना डायलॉग इसके अच्छे। अरे यार मैं VFX देख रहा हूँ यार इस मूवी के, VFX इतने घटिया VFX यार। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10। IMDb के ऊपर 0 वाला इसके अंदर कॉलम होना चाहिए था, सच में कह रहा हूं, मैं वहां पर उसको टिक करता, सबने वहां पर बेचारों ने एक एक दे रखा है। IMDb पे वैसे भी इसका बुरा हाल होया ही पड़ा है, तो मेरी तरफ से तो भैया इसको मैं 0 ही दूंगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो अपना दुख व्यक्त कर सकते हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन ओपन रहता है, और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा कि तुम अपने रुपए बर्बाद करो इस कचरा के ऊपर। अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपने रुपए बर्बाद करने का, भैया रखो उनको और उनको माचिस की तिल्ली लगा दो, बेटर रहेगा, या फिर उससे भी बहुत अच्छा काम है, सुकून मिलेगा, जो गरीब हैं उनको दान कर दो वो रुपए, या उनको कुछ खिला दो वो ज्यादा बेटर भी रहेगा, इस कचरे को मत देखो यार। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।